ज्यादा खबरों के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इस लॉकडाउन में जहां एक तरफ पूरा भारत देश बंद है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन टीम स्टार क्रिकेटर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को सुर्खियों में बने रहना अच्छी तरह आता है। वैसे तो हार्दिक पांड्या अपने फैंस को अपने लुक्स और हेयर स्टाइल से काफी इंप्रेस करते रहते हैं, लेकिन कॉफी विद करण में हार्दिक पांड्या को करण की कॉफी पिछले साल कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ गई थी। जी हाँ, हाल ही में हार्दिक पांड्या ने अपने इंस्टाग्राम लाइव चैट के जरिए इंडियन क्रिकेट टीम विकेट कीपर और बैट्समैन दिनेश कार्तिक से बातचीत की। इस बातचीत में हार्दिक पांड्या ने बताया कि उस इंसिडेंट के बाद उन्होंने कॉफी पीना ही छोड़ दिया और अब वह सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी पीते हैं। और तो और, उन्होंने हंसते हुए ये भी कहा कि इतनी महंगी कॉफी तो शायद स्टारबक्स में भी नहीं मिलती होगी जितनी महंगी हार्दिक को करण की कॉफी पड़ गई। इस लाइव चैट में उन्होंने अपनी मंगेतर नताशा का भी जिक्र किया। वो कहते हैं कि नताशा काफी अच्छी हिंदी बोलती है और इस क्वारंटाइन पीरियड में हम दोनों एक दूसरे से हिंदी और इंग्लिश में ही बात करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, और तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज के साथ।